नितिन गडकरी, अजीत सिंह और चंद्रबाबू नायडू के बाद अब मुलायम सिंह यादव। काले धन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का अभियान दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में रामदेव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात में रामदेव ने एसपी मुखिया से काले धन के खिलाफ आंदोलन में समर्थन मांगा, जिस पर मुलायम ने रामदेव को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। काले धन के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई मेरा पूरा समर्थन है और काले धन के खिलाफ हम सूचित थे तो हैं, लेकिन अब बाबा जी ने छेड़ दिया संगत तो एक अच्छी सफलता मिलेगी। इस काले धन के खिलाफ हम हैं, क्यों काले धन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गरीबों का कोई भला हो नहीं सकता। राजनीति दृष्टिकोण के चलते रामदेव के लिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुलायम से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू हुए रामदेव काले धन को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। काले धन को वापस लाने का जो इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंट प्रोसीजर अपनाने की हमने बात की और वो 7 मुद्दे प्रधानमंत्री जी को हमने बताए। भ्रष्टाचार को मिटाने कदम उठाने के लिए हमने सरकार के ऊपर सारे राजनीतिक दलों का दबाव बने, रूलिंग पार्टीज के ऊपर सोचे, जनता की ओर से दबाव बने। बदलाव के दो ही रास्ते, या तो चुनाव करके संसद में जाओ या फिर जनता की ओर से दबाव बनाओ। मुलायम से मिलने के बाद आने वाले दिनों में रामदेव की ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती से मिलने की योजना भी है। पहले नितिन गडकरी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, फिर अजीत सिंह, फिर शरद यादव और अब उसके बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। बाबा की कितनी लंबी लिस्ट है इन सभी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या उस लिस्ट में कांग्रेस का भी नाम होगा? क्या बाबा रामदेव उस रामलीला मैदान के दिन को भुला पाएंगे और उसके बाद कांग्रेस से भी मिलने का वक्त मांगेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन राजेश के साथ हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।